आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दखल न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमावस्या की अंधेरी रात और दीपों का उजाला, माँ लक्ष्मी का आगमन, दीपों की माला, ऐसे में माँ लक्ष्मी को कैसे करें प्रसन्न, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दखल न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पंडित जी, राम भगवान 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस लौटे थे, कथा ये है, लेकिन विशेष तौर पे माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, क्यों? देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है, उस दिन माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुई। हम सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन जैसी बहुत बड़ा आयोजन इस पूरे संसार में किया गया, और उसमें तीसरे दिन माने त्रयोदशी के दिन आयुर्वेद के देवता अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए। उसके बाद आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ें उसमें से प्रकट हुई, और अंतोदगत्वा जो इस संसार में वैभव विलासिता को देने वाली माँ जगजननी माता लक्ष्मी, उनका प्राकट्य हुआ और वो प्रकट हुई। तो आप देखिए कि ये कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, अंधकार पर विजय दिलाने वाला पर्व है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीपावली के एक दिन पहले अर्थात रूप चौदस, जिसको कार्तिक मास के कृष्ण पक्षी चतुर्दशी भी कहा जाता है, भगवान उस दिन नंदीग्राम में पहुंच गए थे, और जैसे ही वो नंदीग्राम में पहुंचे, अगले दिन दीपोत्सव का पर्व मनाया गया। परंतु चूंकि आज के युग में हर मनुष्य की आवश्यकता धन और केवल धन है, बिना धन के कोई भी चीज़ पूरी नहीं होती, और धन की देवी माता लक्ष्मी का प्राकट्य उत्सव कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाते हैं, त्रयोदशी के दिन चूंकि उनका आविर्भाव होना था तो धन्वंतरी की पूजा अर्चना करते हैं, कुबेर की पूजा अर्चना की जाती है, और उसके अगले दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। तो आप देखेंगे कि ये पूरा पर्व जो है पंच दीपोत्सव पर्व इसको कहा जाता है, कि धनतेरस है, रूप चतुर्दशी है, दीपावली है, और अगले दिन आप देखिए कि अन्नकूट की पूजा होती है, और उसके अगले दिन बहन अपने भाई से को तिलक लगाती है, आशीर्वाद देती है। तो माता लक्ष्मी की पूजा के निमित्त ये पंच दीपोत्सव पर्व हम सभी भरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पंडित जी, माँ लक्ष्मी का दिन है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन है, कैसे प्रसन्न करें, कैसे उनकी पूजा पाठ करें, कैसे सुबह से लेकर रात तक उनका आगमन, उनके स्वागत के लिए क्या तैयारियां करें? देखिए, माता महालक्ष्मी हैं, स्वच्छता की देवी हैं, वो हमेशा हर चीज़ को बहुत साफ उसमें रहना पसंद करती हैं। यदि आपके घर में साफ सफाई है तो माता लक्ष्मी का प्राकट्य और आपके घर में प्रवेश अवश्य होगा। क्योंकि कार्तिक मास है, कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, आप उसको इस तरीके से देखें कि सूर्य और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हैं, और जब सूर्य और चंद्रमा का मिलन होता है, अमावस्या होती है, तो कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राकट्य में होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा बहुत प्राकट्य में होती है, और उस समय जब दीप खिलता है तो सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं, क्योंकि माता महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है, उनको हम अपने घर पे आमंत्रित कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको अपने घर को साफ रखना बेहद ज़रूरी है, हमारे घर से नकारात्मक शक्तियाँ यानी नकारात्मक ऊर्जा का को दूर होना बेहद आवश्यक है। यदि नकारात्मक ऊर्जा दूर नहीं होगी तो माता महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। उसके लिए क्या करना है, घर की आप साफ़ सफाई कर लीजिए, पूरी तरह से स्वच्छ कर लीजिए। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे घर का मुख्य द्वार बहुत साफ़ होना चाहिए, क्योंकि प्रवेश माता का वहीं से ही होता है, तो मुख्य द्वार किसी भी रूप में टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, बहुत साफ़ होना चाहिए। वहाँ बहुत सुंदर सा द्वार पे बहुत सुंदर से दीपक लगाए जाते हैं, वहाँ बहुत सुंदर सा बंधनवार लगाया जाता है, बंधनवार में आम के पत्ते का बहुत सुंदर सा बंधनवार लगाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि आम के पत्ते में जो कीटाणु होते हैं या नकारात्मक ऊर्जा जो होती है उसको सोखने की
सबसे बड़ी क्षमता होती है। तो घर के मुख्य द्वार पर आप आम के पत्ते का बंधन बार लगाइए और सुंदर सुंदर से फूल से आप अपने घर को सजाइए। इसके बाद आपके घर का जो सबसे प्रमुख स्थल है, जो पूजा कक्ष है, उसको आप बहुत सुंदर सा सजा लीजिए। माता महालक्ष्मी का यदि कोई फोटो है, चित्र है, प्रतिमा है, तो आप उसको बहुत साफ कर लीजिए। बहुत सुंदर से लाल वस्त्र के ऊपर माता महालक्ष्मी को आप विराजिए, पंचोपचार से उनकी पूजा अर्चना करिए। यहाँ आपको एक रोकना चाहूँगी। कई बार ये प्रश्न आता है कि अखबार में भी लक्ष्मी गणेश सरस्वती जी की फ़ोटो आती है, वो फ़ोटो लगाएं या मिट्टी की मूर्ति रखें, या हमारे घर में पहले से जो पीतल की या मूर्तियां हैं वो रखें। कहा यह भी जाता है कि साल में एक बार दीपावली पे हम मिट्टी की मूर्तियां रखें, उनका पूजन करें, फिर उनका विसर्जन करके दोबारा वो मूर्तियां बदलें। क्या ठीक उपाय हैं जो किए जा सकते हैं? देखिए, माता महालक्ष्मी की हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, मेरा अपना मत है, मैं अपने ही मत की बात करूंगा कि आपके यहाँ जो भी धातु की मूर्ति हो, क्योंकि आप साल भर उनको अपने घर में स्थायी रूप से रखना चाहते हैं, मिट्टी की मूर्ति की पूजा ठीक नहीं होती। मिट्टी की मूर्ति की पूजा उस ज़माने में होती थी जब लोगों के यहाँ लोग धातु की मूर्ति खरीद पाना संभव नहीं था। आज के युग में फोटो या चित्र की पूजा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माता महालक्ष्मी की बहुत सुंदर सी मूर्ति आपको ज़रूर लेना चाहिए, चाहे वो पीतल की हो, स्टील की हो, किसी भी धातु की हो, चांदी की हो, सोने की हो, आप जिसमें खरीद पाना आप संभव सामर्थ्य। हमेशा ध्यान रखें माता की जो प्रतिमा हो वो बैठी हुई प्रतिमा होना चाहिए। स्थिर लक्ष्मी जिनको कहा जाता है, बैठी हुई प्रतिमा, अर्थात स्थिर लक्ष्मी को हम अपने घर में रखें तो मेरा मानना है कि आपके घर में स्थिरता हमेशा बनी रहेगी। आप बैठी हुई लक्ष्मी जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको एक बार और रोकना चाहूँगी कि यहाँ पर भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दें कि घर में बैठी हुई लक्ष्मी और दफ्तर में खड़ी हुई लक्ष्मी क्यों होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि हर जगह बैठी हुई लक्ष्मी की ही पूजा की जाती है। जो खड़ी हुई लक्ष्मी की पूजा जहाँ पर भी होती है, वहाँ आप देखेंगे लक्ष्मी हमेशा चंचला बनी रहती हैं। लक्ष्मी का काम ही है चंचला, उनका नाम ही है। अस्थिरता बहुत है। माता का जो लग्न है वो मिथुन लग्न और तुला राशि की जातक हैं, उनकी भी कुंडली है। हम लोग तो चूँकि ज्योतिषी हैं तो हर एक की कुंडली बनाते रहते हैं। तो मिथुन लग्न एकमात्र लग्न है जिसमें लक्ष्मी हमेशा चंचला होती है, क्योंकि वो अस्थिर लग्न होती है, अस्थिर लग्न होता है। माता की तुला राशि है। स्वाति नक्षत्र के दूसरे चरण में माता का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए स्वाति नक्षत्र में ही माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो मेरा, हमारे जितने भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उन सभी से बहुत निवेदन पूर्वक कहूँगा कि माता की बैठी हुई प्रतिमा की ही पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि वो स्थिर हैं, चर नहीं है। यदि आपके घर में खड़ा हुआ माता का कोई फोटो है तो आप उसके साथ साथ एक बैठी हुई माता की प्रतिमा अवश्य लेकर आएँ। माता कमलासना है, क्योंकि कमल के आसन पर वो विराजमान होती हैं। यदि आपको ऐसी कोई प्रतिमा मिले जिसमें माँ जगत जननी कमल पर बैठी हुई हैं और अपने चार भुजाओं से, उनके एक हाथ में कमल है, एक हाथ में चक्र है, और दोनों हाथों से, नीचे के हाथों से अभय और वर मुद्रा में वो हमको आशीर्वाद दे रही हैं, तो आप इस प्रकार की प्रतिमा को अपने घर में रखेंगे तो आपके घर में माँ जगत जननी हमेशा स्थिर अवस्था में रहेंगी। धन बेशक आपके पास कम हो, लेकिन आप जीवन में धन को लेकर कभी परेशान नहीं रहेंगे। माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं, पुत्र स्वरूप हैं उनके, उनके साथ उनकी पूजा की जाती है। विष्णु जी की पूजा उनके साथ करनी चाहिए लक्ष्मी पे, लक्ष्मी के दिन, या नहीं? या गणेश जी के साथ विष्णु जी किस तरीके से विराजमान कराएं, किस हाथ पे किसको बिठाएं, ये क्या विधान है? देखिए, मैं गणेश जी के बारे में आपको बताऊं, गणेश जी उनके भांजे हैं, पुत्र नहीं है। देखिए, गणेश पूजा के पीछे का जो कारण है वो आपको बता देता हूँ। चूँकि माता चंचला है, माता अपनी पूजा कभी भी होने नहीं देना चाहती। यदि आपने उनकी विधिपूर्वक पूजा कर ली तो फिर वो आपके घर से कभी नहीं जाएंगे। आपको उनकी पूजा करनी है तो आपको हमेशा गणपति जी को उनके साथ पूजना पड़ेगा। किस स्थान पर उनको बिठाया जा सकता है गणपति जी को? गणपति जी को माता के साथ बामंग में बिठाया जाता है, चूँकि माता भगवान के साथ बामंग में बैठी हुई हैं और गणपति जी को हम माने उनके जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में आप जैसे बैठे हैं,
तो आप उस तरीके से भगवान गणपति को बिठा लीजिए। हमारे मुख की तरफ राइट हैंड साइड पे गणेश जी होने चाहिए या नहीं, जैसे आप बैठे हुए हैं हाँ। आप सामने से देख रहे हैं तो वामांग में हो, यदि हाँ। आप गणपति जी को ऐसे मान लें कि गणपति जी और माता लक्ष्मी बैठी हैं तो राइट हैंड साइड में गणपति जी हो, लक्ष्मी जी के राइट हैंड साइड पे गणपति जी होना चाहिए, उस तरीके से आप बिठा लीजिए। और माता के दूसरे तरफ जैसा आपने कहा भगवान विष्णु के बिल्कुल होना चाहिए, ये परंपरा लगभग ख़त्म सी हो गई है। देखिए माँ प्रसन्न ही तभी होती हैं, आपको एक बहुत सुंदर सा अकेले माँ कैसे रहेंगी, अकेले माँ पति के साथ रहना, पति के साथ बहुत सुंदर सी कहानी है। ऐसा माना जाता है कि माता भृगु की पुत्री थी, भृगु ऋषि ने उनको जन्म दिया था, भृगु पुत्री कही जाती हैं। एक बार वो अपने जामाता से मिलने गए, भृगु अपने आप में बहुत ही क्रोधी थे, तो उन्होंने भगवान से कहा नहीं मैं मिलने जाऊंगा, मिलना है मुझे। माता ने कहा आराम कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आ जा, मिल लेंगे ना, नहीं अभी मिलना है। वो गुस्से में उन्होंने उनकी छाती पे लात मार दी थी, तो माता बहुत क्रोधित हुई और तभी से उन्होंने सारे ब्राह्मण कुल को ये श्राप दिया कि ब्राह्मणों के पास मैं कभी नहीं आऊँगी। तो आपको यदि माता महालक्ष्मी को बुलाना है तो आपको सपत्नी की आमंत्रित करना पड़ेगा, बिना भगवान विष्णु के माता लक्ष्मी कभी भी प्रसन्न नहीं होती। तो आपको क्या करना चाहिए, भगवान विष्णु सबसे पहले भगवान विष्णु गणपति की पूजा करें, क्योंकि भगवान गणपति के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान गणपति हमारे प्रथम पूज्य हैं, हमेशा उनको पहली बार उनको पूजा की जाती है। भगवान गणपति की पूजा से सबसे बड़ी चीज़ है माता महालक्ष्मी स्थिर हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने भांजे से खासतौर से गणपति से बहुत प्रेम करती हैं, उनकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हमेशा रही। तो गणपति के साथ जब आप माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं तो माता महालक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, वो हमेशा आपके साथ सौहार्द बनाए रखना चाहती है। उसके बाद आप भगवान विष्णु की पूजा करें, तदोपरांत आपको माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में कुछ चीज़ें लगभग समाप्त और लुप्त प्राय सी होती जा रही हैं, जिसमें विष्णु पूजा लगभग समाप्त हो गई है, बहुत कम लोग हैं जो विष्णु पूजा करते हैं, विष्णु पूजा की जगह वो भगवान कृष्ण की पूजा, लेकिन कृष्ण देखिए कृष्ण स्वरूप हैं लेकिन पूर्ण रूप तो भगवान विष्णु का है, वो उनके अंशावतार हैं। तो आप मूल रूप की पूजा करें, मैं हमेशा अपने सभी दर्शकों को और सभी को यही सलाह देता हूं कि आप मूल की तरफ जाएं, माने जो एक्चुअल में आपके सामने आप उसकी पूजा करें, अर्थात भगवान विष्णु की आप बैठी हुई प्रतिमा जिसमें वो शेषशायी अवतार में लेटे हुए हैं और माता महालक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं, आप उस स्वरूप में उनको लेकर आए। बिल्कुल, आपने जो ये बात कही कि वो शेष शैया पर लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं, इसकी भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है जिससे माँ लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती हैं और सभी महिलाओं को क्या करना चाहिए। देखिए बहुत सुंदर आपने पूछा, भगवान विष्णु के बारे में, वो उन्होंने बहुत सारे दैत्यों का संहार किया और संहार करने के उपरांत आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ चार माह तक जब देव शयनी एकादशी आती है और देव उठनी एकादशी तक चार माह तक वो योग निद्रा में रहते हैं जी। उस समय वो अपने योग निद्रा में बिल्कुल लेटे होते हैं और माता महालक्ष्मी उनके पैर दबा रही होती हैं, बहुत प्रसन्न अवस्था होती है भगवान विष्णु के, और उस समय वो इतने प्रसन्न होते हैं कि जब भी कोई भी उनकी पूजा अर्चना कर भर ले, चार मास का आप देख रहे हैं इस समय चतुर्मास चल रहा है, दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी आती है, तो आप देखेंगे उस समय भगवान विष्णु उठते हैं, तो आप उस शेष शैया पे बैठे हुए भगवान विष्णु की माता महालक्ष्मी जब उनके पैर दबाते हुए उनकी आप पूजा अर्चना करते हैं, माता महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो आप उस स्वरूप में अपने घर में किसी अच्छी मूर्ति को लेकर आएँ और माता की पूजा अर्चना करें, दोनों की करें, भगवान विष्णु की और माता महालक्ष्मी की आप पूजा करें, पंचोपचार से पूजा करें, और धातु की मूर्ति हो तो जीवन भर दोनों हाथों से वो चारों लोग आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि इस सृष्टि को के संचालन करता भगवान विष्णु है, और भगवान विष्णु की यदि आपने पूजा नहीं की तो लक्ष्मी आपको जीवन भर कभी नहीं प्राप्त होगी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग दारिद्र का शिकार हो जाते हैं, पैसा नहीं होता, परेशान रहते हैं,
लक्ष्मी की तो वो पूजा कर रहे हैं लेकिन विष्णु की पूजा नहीं कर रहे। माता अपनी पूजा के अनुरूप थोड़ा फल तो देती है परंतु स्थिरता कभी भी नहीं आती। उस स्थिरता को आपको चाहिए तो केवल और केवल आप भगवान विष्णु को अपने आमंत्रित करें, उनकी पूजा करें, तदुपरांत माता महालक्ष्मी की पंचोपचार से पूजा करें, दूध दही घी शहद और शक्कर से बढ़िया माता को मलें, बहुत सुंदर दुग्ध से अंतिम रूप में फिर आप स्नान कराएं, दही से आप उनका स्नान कराएं, पैरों को धोएं, शहद से पैरों को धोएं, घी उनके अपंगों पर लगाएं। माता के अष्टलक्ष्मी स्वरूप हैं, उनके एक एक अंग पर आप अक्षत चावल को छोड़ते चले जाएं, जितने भी अष्टलक्ष्मियों के नाम हैं, तो माता बहुत प्रसन्न होती है। माता माँ है। आप करके देखें इस दीपावली पे, इस प्रयोग को करके देखें जो आज हम अपने लोकप्रिय चैनल दखल न्यूज़ के माध्यम से आप सभी दर्शकों को बता रहे हैं। आप करके देखिए, कलयुग में कुछ देवी हैं, कुछ देवता हैं जो पूरी तरह से जागृत हैं, और उनमें सबसे जागृत केवल माता महालक्ष्मी और दूसरे भगवान गणपति हैं। कलयुग में कहा जाता है कि चार देव पूरी तरह से जागृत हैं, जिन सबसे पहला नाम आता है माता महाकाली का, जो कि हमेशा दुष्ट शक्तियों पर विजय प्राप्त करती है। दूसरा नाम आता है भगवान गणेश का, कलयुग में भगवान गणेश बहुत ही जागृत अवस्था में। तीसरी माता महालक्ष्मी और चौथे देवता हैं हनुमान जी महाराज। तो आप इन चार देवों को पकड़ लीजिए और इनको बिल्कुल पूजा करिए, लेकिन चारों की पूजा का अलग अलग विधान है। हनुमान जी तभी प्रसन्न होंगे जब तक आप भगवान राम और माता सीता के प्रति आस्था नहीं रखते। यदि आपकी आस्था नहीं है तो कभी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। आप कितने ही हनुमान चालीसा और सुंदरकांड सुना लीजिए, आपसे वो कभी प्रसन्न नहीं होंगे। वैसे ही आपको यदि माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो भगवान विष्णु पूछने ही पड़ेंगे, पूछना पड़ेगा। पत्नी बगैर पति के आपके पास नहीं आएगी, हिंदू धर्म में नहीं आती, नहीं आती। आप कितनी भी कोशिश कर लें। पंडित जी से बात स्थिरता की हो रही है, माँ लक्ष्मी कैसे प्रसन्न हो, कैसे चिरकाल तक स्थिर रहे हो, आपके साथ रहें, धन वैभव ऐश्वर्य सभी चाहते हैं, तो किस विधान से पूजा करें, कैसे चौकी लगाएं, दिवाली में कितने बजे हम माँ लक्ष्मी का पूजन करें, क्या शुभ मुहूर्त है और क्या टोटके होने चाहिए जिससे छोटी छोटी चीज़ों से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में स्थिर हो पाएं। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज़। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। माँ लक्ष्मी कैसे स्थिर हो, पंडित जी हमको बता रहे थे, अब हम उनसे जानेंगे कि कैसे उनका स्थान बनाया जाए, कैसे चौकी लगाई जाए, किन किन देवी देवताओं की पूजा माँ लक्ष्मी जी के साथ की जाए, कैसे की जाए, कलश कैसे स्थापित हो, माँ लक्ष्मी जी को कौन सा फल, कौन सी मिठाई, कौन से वस्त्र, कौन सा रंग पसंद है, ये सब पंडित जी अब हमको बताएंगे। पंडित जी सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि स्थान जो माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए हम बनाते हैं, जो चौकी लगाते हैं, उस चौकी को कैसे हम तैयार करें। देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, चूँकि माँ की पूजा का स्थान जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप चौकी ऐसे लगाएं कि आपके हृदय स्थल तक माता आपके हृदय स्थल तक आ सके, चौकी इतनी ऊंची होना चाहिए ताकि वो आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें, आपके हृदय तक आ सकें। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे हृदय में भगवान विष्णु का वास होता है, हम परमात्मा की बात करते हैं जो हमारी आत्मा में विराजमान है। यदि आप उस परमात्मा से अपनी लौ लगाना चाहते हैं तो आपको उस परमात्मा को अपनी आत्मा तक अवश्य लेकर आना पड़ेगा। चौकी इस तरह से होना चाहिए। अच्छा, उस चौकी पे क्या करें, सबसे पहले आपको तीन या चार देवता उस चौकी पर रखना पड़ेंगे। हमने बात की भगवान गणेश की, दूसरी बात की हमने भगवान विष्णु की, लेकिन आपने एक देवी छोड़ दी है, माँ सरस्वती, माता महासरस्वती। कारण, माता महासरस्वती को माँ लक्ष्मी के बिल्कुल बाजू में रखा जाता है। इसके पीछे मैंने, आप जब भी अपने घर में आप स्थान बनाएं तो माता महालक्ष्मी के साथ
माँ सरस्वती को अवश्य विराजमान करें, और सरस्वती की प्रतिमा ऐसी होना चाहिए कि उनके हाथ में वीणा जरूर होना चाहिए, ताकि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा उस वीणा के स्वर से दूर हो सके। तो आप इस प्रकार से चौकी को रखें। तो पहले गणेश जी, फिर सरस्वती जी, फिर लक्ष्मी जी। नहीं, पहले भगवान विष्णु, फिर उसके बाद माता लक्ष्मी, उसके बाद गणेश, फिर माँ सरस्वती। आप इस तरह से रख सकते हैं, और बीच में गणेश को बिठाने के पीछे का विधान यह है कि गणेश और लक्ष्मी, माता सरस्वती आपको वो विद्या देंगे, आपको वो बुद्धि देंगे, जिससे श्री आपके हाथ में रहे। श्री तो भोली हैं, चली तो जाती हैं किसी के भी पास, लेकिन उनको संभालने का, उनके वेग को संभालने का जिसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास से श्री बहुत जल्दी चले जाते हैं। आपके पास बुद्धि नहीं होगी, बिल्कुल, तो पैसा आपके पास आएगा लेकिन वो लगेगा कि आज यहाँ इन्वेस्ट कर दें, यहाँ इन्वेस्ट कर दें, और नतीजतन, और यहाँ ऑपोजिट रहता है, जहाँ श्री आई वहाँ बुद्धि गई। तो आप श्री के साथ विद्या को रख लें। इसलिए हमारे यहाँ दस महाविद्याओं में एक बहुत सुंदर सी देवी हैं जिनका नाम ही श्री विद्या है, जिनको षोडशी भी कहा जाता है, जिनको राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। तो वो देवी हैं, वो इन दोनों का अवतार हैं। और ऐसी कहानी है कि लक्ष्मी को श्री का आशीर्वाद नहीं था। अच्छा। उनको आशीर्वाद देने का जो काम था वो माँ राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी ने किया, जो कि माता पार्वती की दस महाविद्याओं में सबसे महत्वपूर्ण महाविद्याएँ हैं, जिनको श्री विद्या कहा जाता है। और उन्हीं के नाम पर आपने देखा होगा कि दीपावली के अवसर पर हम एक श्री यंत्र की पूजा करते हैं, आपको जगह जगह श्री यंत्र देखने को मिलते हैं। 9 मंडल का श्री यंत्र होता है, जिसमें लगभग 46 के आसपास, 46 के आसपास ट्रायंगल्स बनते हैं, त्रिकोण बनते हैं। हर त्रिकोण की अपनी एक आमना है, अपनी एक देवी है, उसकी पूजा की जाती है। 4 उसके द्वार होते हैं, जिसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में जाना जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा यंत्र और सबसे प्रभावशाली यंत्र केवल और केवल श्री यंत्र को माना जाता है। उस श्री यंत्र की अधिष्ठात्री देवी श्री विद्या, जिनको माँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है, जो कि सरस्वती और लक्ष्मी का स्वरूप है, जिनमें माना जाता है कि तीनों देवियाँ मिली हुई हैं, माता पार्वती, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती। पंडित जी, ये तो चौकी पर चार देवी देवताओं की बात हुई। कलश किस दिशा में होना चाहिए, कलश में क्या होना चाहिए, और दीप किस दिशा में होना चाहिए? बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। देखिए, दीप और कलश दोनों ईशान कोण में होना चाहिए। यदि आप माता को इस प्रकार रखते हैं तो उनकी पीठ कहाँ होगी? पूरब दिशा की, और उनका श्रीमुख होगा पश्चिम दिशा। तो आप देखेंगे कि उनके जो लेफ्ट राइट हैंड का जो तरफ होगा, हमारी तरफ से लेफ्ट हैंड हो सकता है, तो आपको कलश ईशान कोण में रखना पड़ेगा। तो आप पीतल का, स्टील का, तांबे का, चांदी का, जिस धातु का आप कलश ला के रख रहे हैं, मिट्टी का ना रखें, क्योंकि हम चिर स्थायी रूप से अपने घर में लक्ष्मी की स्थापना कर रहे हैं। तो आप बढ़िया सुंदर सा कलश रखें, श्रीफल उस पर ऐसा रखें कि श्रीफल का जो गोल हिस्सा है वो हमारे कलश के ऊपर आए, और उसके पीछे का जो भाग है, जो पतला सा भाग है, उसको ऊपर रखें। उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ, आपने देखा होगा कि मंदिर के ऊपर जो कलश बनाया जाता है उसमें बहुत पतला सा हिस्सा होता है। आपने कभी तड़ित चालक को देखा होगा जिसमें 3 नोक निकली होती हैं, तो जो ब्रह्मांड की जो अनावश्यक ऊर्जा होती है वो तड़ित चालक के माध्यम से पृथ्वी में चली जाती है। हम उस ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में उतारना चाहते हैं, तो उसमें लाने का जो विधान है वो केवल और केवल कलश होता है। तो आप कलश को कैसे रखें? आम के पत्ते नारियल के नीचे रखे जाते हैं, उनकी संख्या होती है 5, 7, 9 या 11। इस हिसाब से आप आम के पत्ते रखें, उसके ऊपर नारियल रखें, नारियल के ऊपर मौली या कलावा ज़रूर बांधा जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि नारियल जो है वो भगवान विष्णु का स्वरूप है, चूँकि श्रीफल उसको कहते हैं, भगवान श्री यानी विष्णु को वो फल बहुत पसंद है, और उस पर जो मौली बांधी जाती है वो लक्ष्मी का प्रतीक होती है, इसलिए उसके ऊपर मौली बांध देते हैं। उसके बाद कलश में अंदर जो है रुपया और सुपारी डाली जाती है, गोल सुपारी होती है, क्योंकि हम ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को उस कलश में बुलाना चाहते हैं।
फिर उसके ऊपर हम कलश के ऊपर श्रीफल रखते हैं, बहुत सुंदर सी मौली जो है कलश के ऊपर बांधी जाती है, उसमें तीन धागे मान तीन बार उसको बांधा जाता है ब्रह्मा विष्णु और महेश के निमित्त, कि हम तीनों देवताओं को उसमें आमंत्रित आवाहन कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं और उसमें हम तीनों देवों को बुलाते हैं। इस प्रकार से आप कलश स्थापना करें, फिर उसके बाद सब देवताओं को आप आमंत्रित कर लें। दीप भी जो है वो भी ईशान कोण में ही जलाया जाता है, जहाँ कलश है उसके पास में ही आप दीपक को। दीपक जो हम अखंड जलाते हैं जी लक्ष्मी पूजा में, जो हम लोग रात भर जलता है, वो घी का होना चाहिए कि तेल का? दोनों जलाए जा सकते हैं, दोनों उनके निमित्त जलाए जा सकते हैं। कारण ये होता है कि तेल के दीपक को जलाने के पीछे विधान केवल और ये है कि अमूमन तिल का या कड़वे तेल का दीपक हम लोग लगाते हैं, तो आसपास में जितने भी कीटाणु होते हैं वो तेल के दीपक के धुएं में आके संपर्क में आके मर जाते हैं, तो उसके पीछे का विधान ये है। लेकिन आप घी का जलाइए, घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, माता बहुत प्रसन्न होती है। ऐसा माना जाता है घी के दीपक से जो धुआं निकलता है उसको वो काजल के स्वरूप में अपनी आँखों में लगाती हैं, तो आप घी का दीपक जलाइए, आप तेल का भी जलाइए, जो आपके पास आप आराम से जला सकें उसको जलाइए, फिर उसके बाद आप दीप देवता की पूजा करिए, कलश की पूजा करिए, तो ईश्वर आपसे बेहद प्रसन्न होगा। पंडित जी, चार देवी देवता हमने चौकी पे विराजमान जी, किस देवी और किस देवता को कौन सा फल, कौन सी मिठाई और कौन सा फूल चढ़ाए जो शुभ हो? देखिए, सबसे पहले बात आती है भगवान विष्णु की, उनको हर चीज पीली पसंद है जी। तो आप पीले रंग का कोई भी फल चढ़ा सकते हैं, केला चढ़ा सकते हैं, हमारे यहाँ केले की पूजा का विधान की जाती है, विष्णु जी का एक स्वरूप केले में भी, केले में भी ये माना जाता है, केले में उनका निवास होता है, तो भगवान विष्णु को आप केले का फल चढ़ा दीजिए, पीला पुष्प चढ़ा दीजिए, पीले ढेर सारे पुष्प आते हैं तो आप पुष्प चढ़ाइए, पीला यानी केसर से उनका तिलक लगाइए, आप पंचोपचार से उनकी पूजा अर्चना कर दीजिए, भगवान बेहद प्रसन्न होंगे। इसके बाद आते हैं भगवान गणपति, दूर्वा पसंद है, हरे रंग की हर चीज़ उनको पसंद है, हरे रंग, पान सुपारी का भोग लगाइए, चूँकि हरा पुष्प नहीं आता इसलिए आप कोई भी लाल या पीला पुष्प आप उन पर चढ़ा सकते हैं। भगवान गणपति जी और सारे देवी देवताओं को इत्र बहुत पसंद है, क्योंकि इत्र लगने से मन बेहद प्रसन्न होता है। हमारे यहाँ आप देखते होंगे कि जितने भी पुष्प चढ़ाए जाते हैं सुगंधित पुष्प चढ़ाने का विधान है, सुगंधित पुष्प केवल और केवल इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि उस सुगंध के कारण उनका मन बेहद प्रसन्न हो जाए। लेकिन आज के दौर में आप देख रहे होंगे हनुमान जी महाराज पे अकौए की माला चढ़ा देते हैं, अकौए के पत्ते चढ़ा देते हैं, आप सोचिए कि क्या आप ईश्वर के सदृश हों, आप वैसे बैठे हों, आपके ऊपर कोई इस तरह का पत्ता चढ़ा जाए तो आपको कितना गुस्सा आएगा। सुगंधित माला गले में केवल इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि उसकी खुशबू आपकी नाक तक पहुंचे और आपका मन प्रसन्न हो जाए। तो जब आप किसी के गले में सुगंधित माला चढ़ाते हैं तभी वो प्रसन्न होता है, इसलिए सुगंधित द्रव्य चढ़ाने की बात आती है। हम मंत्र पढ़ते हैं बहुत सुंदर सा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मेव बंधनान मृत्योर मुक्षीय मां मृतान, अर्थात सुगंधित द्रव्य चढ़ाना, आप कुछ और नहीं चढ़ा सकते, तो जो सुगंधित पुष्प हों उनकी माला चढ़ा दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए सफ़ेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्वेत पुष्प जो है वो विवाहित महिलाओं को नहीं चढ़ाया जाता, इसलिए लाल पुष्प की माला होती है, कमल में से भी खुशबू आती है इसलिए कमल भी भगवान गणपति को चढ़ाया जाता है। तो आप भगवान गणपति को इस तरह से चढ़ाएं, माँ लक्ष्मी, माँ भगवान श्री गणेश को हम कमल के फूल भी, हाँ, माँ सरस्वती को सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं या नहीं? नहीं, माता सरस्वती को श्वेत पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो भी विवाहित हैं, ठीक है उनको हर चीज़ श्वेत पसंद है जी, लेकिन श्वेत का मतलब ये नहीं कि हम उनको सफ़ेद चढ़ाएं। श्वेत पुष्प चढ़ाने का विधान केवल और केवल माता धूमावती को है, उन्हीं को ही चढ़ाया जाता है, तो इसलिए बाकी किसी भी देव को आप श्वेत रंग का पुष्प नहीं चढ़ाएं। माता पार्वती का एक स्वरूप ब्रह्मचारिणी था इसलिए उनको श्वेत वर्णा है, इसलिए उनको श्वेत पुष्प चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो अविवाहित हैं। विवाहित होने के बाद जितने भी स्वरूप माता पार्वती के आए उसमें किसी को भी केवल और केवल धूमावती को छोड़ दें और माता कालरात्रि को छोड़ दें, बाकी किसी को नहीं चढ़ाए, नहीं चढ़ाया जाता। पंडित जी, ये तो हमने देवी देवता की पूजा की विधान जो सामान्य रूप से सभी को करना चाहिए होगा, कोई विशेष उपाय जिससे माँ लक्ष्मी चिरकाल तक हमारे घर में स्थापित रहें?
देखिए, मैंने आपसे कहा एक तो स्थिर लक्ष्मी की आप बढ़िया मूर्ति ले आइए ताकि आपके घर में वो स्थिर रहे। ऐसी मूर्ति मिल जाए जो कमल के आसन पर विराजमान है, वो तो अति उत्तम मानी जाती है। यदि वो आपको मिल रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रही कोई बात नहीं, मैं आपको तीन और अलग अलग उपाय बताता हूँ। सबसे पहला उपाय, क्योंकि माता महालक्ष्मी जो समुद्र से निकली हुई वस्तुएं हैं उनको बहुत पसंद करती हैं, तो सबसे पहले तो आप एक एकाक्षी नारियल अपने घर में रख लीजिए, बहुत प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी कारक कोड़ियाँ उनको बहुत पसंद है, आप वो रखिए। गोमती चक्र, वो भी चूँकि गोमती नदी से प्राप्त होता है लेकिन वो निकला कहाँ से था, समुद्र, तो गोमती चक्र रख लीजिए। माँ जगत जननी को दक्षिणावर्ती शंख बहुत पसंद है, जिसका मुख दक्षिण की तरफ निकला होता है और जिसको बजाया नहीं जाता, सामने से उसका मुंह पूरी तरह से बंद होता है। दक्षिणावर्ती शंख में आप समुद्र, माने समुद्र का जल मिलना तो मुश्किल है, आप जो जल रखें उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। कौन सा नमक डालना है आपको, सेंधा नमक, क्योंकि वो नमक समुद्र से मिलता जुलता है, जो मार्केट में मिल रहा है वो केमिकली इम्प्योर नमक है, तो आप उस नमक का इस्तेमाल ही मत करिए, उसमें डाल दीजिए, आप माता महालक्ष्मी के पास में रख दीजिए। और आपको प्रसन्न करना है तो माता महालक्ष्मी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती श्रीयंत्र से, तो आप श्रीयंत्र रखिए, लेकिन कोशिश करिए श्रीयंत्र टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, विधि पूर्वक बना होना चाहिए। उसके सारे चक्र नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी पल्लव होते हैं वो बहुत सुंदर तरीके से बने हों, और आप उसमें ध्यान रखें कि गैप पूरे तरीके से हो और वो श्रीयंत्र थोड़ा सा अच्छा बना हो। मार्केट में जितने श्रीयंत्र हैं सब दोषपूर्ण हैं, एक बार मैं और आप श्रीयंत्र पे ही एक प्रोग्राम अवश्य करेंगे ताकि हमारे दखल न्यूज़ के सारे दर्शकों को ये पता लगे कि श्रीयंत्र आखिर होता क्या है। बस बाजार से उठा के ला के पूजा कर देने भर से माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती, असल में किसका क्या स्वरूप है, कैसे किसका पूजन करें, वो ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पंडित जी, अब हमने बात की कि कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, अब माँ लक्ष्मी को कौन सा मंत्र पसंद है और कौन सी माला से जाप करें कि माँ लक्ष्मी दौड़ी जाए। बहुत सुंदर सी बात की, माता महालक्ष्मी को के लिए एक बहुत सुंदर सा मंत्र है मैं बताना चाहूँगा। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐम रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इसमें तीनों शक्तियाँ आ गई, एम का मतलब माता महा सरस्वती, उनका बीज मंत्र है, क्लीम माने माता महाकाली। ओम एम रीम, रीम का जो शब्द है वो माता पार्वती से जुड़ा हुआ है, और रीम का जो रेचक है वो माता महालक्ष्मी के लिए भी लगाया जाता है। ओम एम रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, तो आप इस प्रकार से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर सा मंत्र है, आपने चूंकि बोला है तो मैं उस मंत्र को बताना चाहूँगा। ये राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी में एक उनका एक 8 वर्ष का स्वरूप है जिनको हम बाला सुंदरी कहते हैं, उनका मंत्र 3 अक्षरों का मंत्र है, एम क्लीम सौ, ये उनका बाला त्रिपुर सुंदरी का बहुत सुंदर सा मंत्र है, बहुत जागृत मंत्र है, आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो माता महालक्ष्मी का राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का बहुत सुंदर सा मंत्र है, लेकिन वो बिना दीक्षा के उस मंत्र का जाप करना ठीक नहीं है, वो यदि आपने जाप किया तो एक तरह से वो चोरी मानी जाएगी। तो उसमें पूरी 12 खड़ी है और 16 अक्षरों का वो मंत्र है। हम लोग जिस दिन श्रीयंत्र पे जब बात करेंगे तो उस श्रीयंत्र की पूजा कैसे की जाती है और कौन कौन से आमनाओं का उसमें पूजा करते हैं वो हम प्रोग्राम में आपको बताएंगे। तो आप माता महालक्ष्मी के इस मंत्र से जाप करें। अब किस से जाप करना चाहिए, आपने ये प्रश्न पूछा, तो कमल गट्टी की जो माला है उससे जाप करना चाहिए। कमल गट्टी की 108 दानों की माला आप लें, और माता महालक्ष्मी की जो पूजा है वो रात्रि काल में की जाती है, चूँकि वो अंधकार पर तिमिर रूपी विजय का काम करती हैं, तो आप मध्य रात्रि में उनकी पूजा अर्चना करें। सबसे ज़्यादा उनकी पूजा मध्य रात्रि यानी 12 बजे के बाद पूजा अर्चना की जाती है। 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में आप माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, माता महालक्ष्मी दोनों हाथों से अपनी कृपा आप पर अवश्य बरसाएंगे। पंडित जी, अमावस्या का दिन होता है, रात के 12 बजे राहु का भी समय होता है, क्या राहु का भी कोई कनेक्शन माँ लक्ष्मी की पूजा में रहता है, या कुछ उपाय उनके भी किए जा सकते हैं जिनके ऊपर राहु की महादशा चल रही है? बिल्कुल, देखिए अमावस्या, देखिए अमावस्या का जो तात्पर्य होता है जिसमें सूर्य और चंद्रमा
चंद्रमा अपनी सारी शक्तियों को खो देते हैं, क्षीण हो जाते हैं। आपने देखा होगा अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा आती है वो बिल्कुल क्षीण रूप में उदित होते हैं, अर्थात अपनी शक्तियों को खो देते हैं और सूर्य उनकी सारी शक्तियों को अपने पास रख लेता है, सूर्य सारी शीतलता अपने अंदर समाहित कर लेता है। क्योंकि शनि छाया के पुत्र थे तो आप शनि ग्रह से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं उनकी शांति के लिए भी आप पूजा अर्चना कर सकती हैं। राहु, चूंकि राहु भी नकारात्मक शक्तियां, शनि जैसे अशुभ प्रभावों के कारण राहु जाना जाता है और वर्तमान में मिथुन राशि पर राहु का गोचर है, तो खास तौर से मिथुन राशि के जातक अमावस्या पे राहु की शांति कर सकते हैं। कैसे करें? देखिए, आप चाहें तो गोमेद एक छोटा सा पत्थर आता है तो आप उस पत्थर का पंचोपचार से पूजा अर्चना कर लीजिए, दूध दही घी शहद और शक्कर के साथ। फिर उसके बाद एक सुंदर से पट्टी के ऊपर चॉकलेटी या गहरे कोका कोला कलर का आप वस्त्र बिछा लीजिए और उस पर गोमेद को आप स्थापित कर दीजिए। उसके सामने बैठकर आप राहु के मंत्र का जाप करिए। कैसे? ओम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। इस तरह से दो मंत्र हैं, आप जितना जाप कर पाए उतना जाप कर लीजिए। कागज पर नोट कर लीजिए कि आपने कितना जाप किया है। तदुपरांत जितना जाप किया उसके दशांश से, जो आपने पटे के ऊपर गोमेद को स्थापित किया है उसके दशांश से हवन कर दीजिए। उसके दशांश से तर्पण किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने 1000 मंत्रों का जाप किया तो आपको 100 मंत्रों से हवन करना है। उसके दशांश माने उसका जो दसवां भाग है माने 10 मंत्रों से तर्पण करना है। तर्पण का मतलब होता है हथेली में जल लेते हैं और हम यूं छोड़ते जाते हैं, ओम राहवे नमः 10 बार। हमने पहले हमने रोटी खिलाई 100 बार, फिर उनको जल पिला दिया, फिर उसके बाद मार्जन किया जाता है उसके दशांश से। माने मार्जन का मतलब होता है कि हम चारों तरफ से जल घुमाकर छोड़ देते हैं। तो आपने 10 से मार्जन किया तो एक बार आपको जल घुमा देना चाहिए, इसको मार्जन करना कहते हैं। तो आपको हवन तर्पण मार्जन करना बेहद ज़रूरी है। फिर हम उनका मुंह साफ करा देते हैं, मार्जन का मतलब एक बार मुंह साफ, मुंह पोंछने का भी काम होता है। तो इस प्रकार से जब आप पूजा अर्चना करते हैं तब उस पूजा अर्चना को संपूर्ण माना जाता है। करके देखिए, अवश्य लाभ होगा। पंडित जी हमको बता रहे थे कि कुछ अलग हटके कैसे माँ लक्ष्मी का पूजन करें कि वो स्थिर बनी रहें। अगर आपके ऊपर कोई गृह दोष है शनि का या राहु का तो कैसे उपाय करें, गणेश जी का पूजन कैसे करें, चौकी कैसे लगाएं, कैसे दीप जलाएं और माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, ऐसे ही विशेष कार्यक्रम के साथ हम आपके पास फिर हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।